आज मैं इस्तांबुल को एग्जिट कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एक जगह जिसका नाम है गैली बोलू। ये है ब्रेड, ये है चीज़, ये किसी चीज़ की चटनी है, ये ऑमलेट है, ये एक टाइप का सलाद है, ये टाइप का अंगूर का जूस है जिसको बॉईल करके थिक किया हुआ है। तो मुझे एक्चुअल में खाना था नहीं, बिकॉज़ मुझे अच्छा लग नहीं रहा था, और तो बड़े इन्होंने काफ़ी कहा कि नहीं खा ले, काफ़ी दूर तेरा रास्ता है, तो मैं चल थोड़ा बहुत एटलीस्ट खा लेता हूँ, तो बस अभी खाते हैं। हिंदी और फारसी, मतलब जो पर्शिया ईरान का जो ये है लैंग्वेज, काफ़ी शब्द मिलते हैं। अब मैं अंगूर का जो जूस है उसको बता रहा था, तो उन्होंने कहा था कि फारसी में उसको एंगूर बोलते हैं, काफ़ी सब सिमिलर है, इनको फारसी आता है। सो वेयर डिड यू लर्न फारसी? वॉज इट इन योर स्कूल और समथिंग? No, no, I studied in Iranian embassy in Ankara when I was a student. And that was for how many years? I had three courses. Every course were about three and a half months. Okay. So, like 1, 2 years I studied. Then I went to Iran for 1 month. Okay. So do you also know how to write, or just so you can speak? Yes, I can, but my writing skills is very poor. Okay. ये काफी भाषा बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, टर्किश, पर्शियन, डच एंड कर्डिश. कर्डिश, पांच भाषा बोल सकते हैं ये, और सब अलग अलग देश के हैं। मैं सिर्फ चार भाषा बोल सकता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और भोजपुरी, वो एक ही देश का भाषा है। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। Nice to meet you. सेम यार, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। इट हैज बीन अ रियली वेरी वेरी नाइस टाइम इन इस्तांबुल। हैव अ गुड जर्नी। थैंक यू। कीप इन कांटेक्ट। आई विल श्योरली कीप इन कांटेक्ट। बाय बाय। यार ये होस्ट ना इतने अच्छे हैं, बट कैमरा खाना ना थोड़ा सा स्टार हो जाते हैं। जब भी कैमरा दिखता है ना थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा मैंने कैमरा में शूट किया नहीं। आज मैं इस्तांबुल को एग्जिट कर रहा हूँ, मतलब आज मैं इस्तांबुल को छोड़ रहा हूँ। इस्तांबुल अभी तक का मुझे मज़ा आया, बट ये बहुत बड़ा सिटी है यार, मेरे को सिटी लाइफ एक्सप्लोर नहीं करना है। मैं रहता हूँ भाई मुंबई में, इससे बड़ा सिटी क्या चाहिए? मेरे को सिटी लाइफ एक्सप्लोर नहीं करना है। हाँ, मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, इसलिए मैं इस्तांबुल थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया। मैं थोड़ा गाँव की एरिया में जाना चाहता हूँ, आज प्लान वही है। आज मैं जा रहा हूँ एक जगह जिसका नाम है गैली बोलू, उधर जा रहा हूँ। बट प्लान था हिच हाइक करने का। मैंने मेरे होस्ट को पूरा प्लान बताया, तो उन्होंने कहा कि तू अभी इस्तांबुल से हिच हाइक मत कर, बेटर होगा तू एक जगह चले जा जिसका नाम है तेकीर दाग। तेकीर दाग तक तू पहले बस ले ले, क्योंकि कैसा सीन है कि इस्तांबुल जो है ये काफ़ी बड़ा शहर है, और ये बहुत लंबा जगह तक एक्सटेंड हुआ है। तो तुझे ऐसे कोई खाली पेट्रोल स्टेशन ऐसे कुछ जल्दी शायद नहीं मिल सकता है। बेटर है तू तेकीर दाग जा बस लेके, वहाँ से तू अपना रास्ता देख ले, क्योंकि तब तू ऑलमोस्ट पूरा आउटस्कर्ट में आ जाएगा। मैं जा रहा हूँ अभी बस पकड़ने एक जगह जिसका नाम है बेकेंड। बेकेंड से मैं दूसरी बस लूँगा तेकीर दाग तक। पसीना छूट रहा है लगेज की वजह से। वहाँ मुझे सामने एक पेट्रोल पम्प दिख रहा है, मेरा बस स्टॉप के सामने ही है, बट बस स्टॉप के सामने एक पेट्रोल पंप है। तो सोच रहा हूँ क्यों ना हिच हाइक का एक पहला स्टेप यहाँ से ट्राई कर लेते हैं, नहीं हुआ तो बस तो ऐसी मिलने ही वाली है। मुझे जाना है इस तरफ, और गाड़ियाँ जो है वो इस तरफ जा रही है। मैं खड़ा हूँ पेट्रोल पंप के एकदम एंड पे, पहले जब गाड़ी जाएगी मैं पूछ लूँ लिफ्ट के लिए। ट्राई करते हैं, देखते क्या एक्सपीरियंस होगा। पहली बार टर्की में हिच हाइक कर रहा हूँ। टर्की में मैंने सुना है कि हिच हाइकिंग बहुत ईजी है, आपको 10-15 मिनट के ऊपर रुकना पड़ेगा नहीं, बट कितना सच है आप पैंडेमिक में पॉसिबल है कि नहीं देखते हैं। कोविड के बाद शायद से सिचुएशन चेंज हुआ होगा, ट्राई करते हैं। मेरे को थोड़ी सी शर्म आ रही है, पर ट्राई करते हैं यार। एक चीज़ मालूम पड़ा, जब मैं लोगों को आई कांटेक्ट कर रहा हूँ ना, तो लोग एटलीस्ट मुझे देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, हाय हेलो हाँ ना कुछ तो इशारा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइन है, ट्राई करते हैं। तो ये है मिनी बस। मुझे ऐसे ही एक मिनी बस
अगर हिचहाइक नहीं कर पाए तो मैं ऐसे एक मिनी बस लूंगा, देख ले भाई। टिकट दाग मरमरा आउट। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलो भाई, एटलीस्ट एक भाई रुक के पूछा तो सही, बट हो गया यार 15-20 मिनट हो गया, लिफ्ट मिली नहीं अभी तक। मैं एक काम करता हूँ, पहले बस पकड़ के सिटी के बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, सिटी में तो नहीं मिल रहा है, बस पकड़ते हैं अभी। तो मुझे एक बस मिली, इसका नाम है 303A। मैं वो बस का वेट कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना हाईवे पर ही बट इस्तानबुल से दूर जाऊँ और फिर वहाँ से शुरू करूँ। इस्तानबुल का कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, मतलब जितना बड़ा कोस्ट लाइन है उतने बड़े शहर है। तो मैं क्लोज टू मरमरा जा रहा हूँ पहले, और वहाँ से देखता हूँ क्या करना है। भाई मैं बस से एक थोड़ा सा सिटी के आउटस्कर्ट में आ तो गया, लेकिन मुझे अभी जाना एक जगह, इसका नाम है सिलीगुड़ी। मैंने यहीं पर ये एक पास और कर दा, बड़े बस में चल ही नहीं रहे, अब पता नहीं क्या होगा यार। मतलब मेरा 6 टर्किश लीरा ख़राब हो जाएगा, मतलब वेस्ट हो जाएगा। या फिर रुकता हूँ, एक और बस आएगी 303A जो आ जाती है सिलीगुड़ी, एक ट्राई में करता हूँ वो 303A बस में, नहीं हुआ तो मैं फिर से वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है वहाँ जाके हिचहाइक ट्राई करता हूँ। ये स्पॉट जो है मुझे परफेक्ट स्पॉट लग रहा है, मैं यहाँ ट्राई करता हूँ हिचहाइक करने का, यहाँ हाईली चांस लग रहा है मिलना चाहिए मुझे। यहाँ से दो तरफ से गाड़ी जा रही है, एक वहाँ से और एक यहाँ से, दोनों का पॉइंट यही है। मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ, देखते हैं मुझे यहाँ मिलना चाहिए। एक भी लिफ्ट मिला नहीं है, लग रहा है बस ही पकड़ना पड़ेगा। बोलो ना, इस्तानबुल का कोस्ट लाइन बहुत भाई, इस्तानबुल का कोस्ट लाइन बहुत लंबा है यार, और कोई रोक भी नहीं रहा है। एक दो लोग रुके हैं, लेकिन वो सब लोग घूम फिर के इस्तानबुल के इंटीरियर में जा रहे थे, वहाँ तो मुझे जाना नहीं है, बस लेना पड़े लगता है। अभी बताता हूँ क्या हुआ। मेरा कार्ड है वो नहीं चल रहा था, मैंने बहुत से बस में टैप किया, ट्राई किया, नहीं चला। एक बस है 300G, मैंने उसमें भी टैप किया, नहीं चला। बस वालों को बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई क्या करूँ, सोल्यूशन बता, क्योंकि फिर से कार्ड जो खरीदने के लिए मुझे रोड क्रॉस करके बहुत दूर जाना पड़ता। रिक्वेस्ट किया तो बस वाले कुछ बोला नहीं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया और फिर बैठ गया। अब मुझे बस वाला टिकट लेगा नहीं लेगा मुझे पता नहीं है, बट मैंने उसको बोला कैश चाहिए तो कैश ले भाई, लेकिन मेरे को लेके चल, अब देखते क्या होगा, मांगा तो कैश दे दूंगा। लेकिन इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, मैंने पैसे भरे हैं, मैंने कार्ड लिया है, कार्ड नहीं चल रहा है उसमें मेरी गलती नहीं है, मैं पूरा ईमानदार हूँ इस चीज़। देखते मेरी ईमानदारी के लिए मेरा किस्मत साथ देगा कि नहीं। भाई मैं किधर तो उतरा हूँ वो पता नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरा जो डेस्टिनेशन है गेली बोलू, वहाँ पर मुझे काउच सर्विंग होस्ट मिल गए। लेकिन गेली बोलू यहाँ से है करीब 200 किलोमीटर और, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस है। मुझे हिचहाइक करना सही लग नहीं रहा है अभी, देखता हूँ यहाँ से कोई दूसरी बस मिलती है क्या। मैं हूँ अभी एक जगह, इसका नाम है गुमुस्यू पार्क। से अगर मुझे तेकीरदाग तक बस मिल जाए तो तेकीरदाग से तो गेली बोलू की बस गारंटी मुझे मिल ही जाएगी, कुछ जुगाड़ लगाता हूँ मैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं तो आज बस में ही चेकिंग किया, लोग कार ट्रक में करते हैं, मैं पेड बस में जहाँ पैसे देने पड़ते हैं वहाँ मैंने फ्री में ही चेक किया आज। अब ऐसे ना वैसे ही सही, शुरुआत अच्छी हुई है, चलते हैं अभी। भाई जिस जगह मैं हूँ यहाँ से एक भी बस दिखा नहीं रहा है, दिखा रहा है कि 6 घंटा 27 मिनट लगे बस के लिए, लेकिन उसके लिए वापस यहाँ से इस्तानबुल जाना पड़ेगा, इस्तानबुल से गेलीबोली जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, मैं बहुत बुरी तरह से फंसूँगा अगर अंधेरा हो गया तो। मुझे फटाफट हिचहाइक करना पड़ेगा, मैं मरमरा या तो तेकीरदाग तक अभी लिफ्ट का ट्राई करता हूँ, फटाफट चलता हूँ भाई। नसीब यह अच्छा है कि मैं हाईवे के बगल में हूँ, यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ अभी। यहाँ पर लिखा है तेकीरदाग, इस रास्ते मुझे जाना है अभी,
भाई अभी तो हिचहाइक ही पॉसिबल है, फिर तो आज गेम हो जाएगा मेरा, पूरा तरह से गेम हो जाएगा। हिचहाइक करने का ट्राई करा था लेकिन कोई रुका नहीं, एक मिनी बस आगे रुकी, उसके आगे तेकिर दाग लिखा था, मैंने पूछा उनसे और बस बैठ गया। बस कितना भर, कितना पैसा देना है कितना नहीं कुछ पता नहीं, बढ़ बैठ गया, अब जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पे पुलिस वाले सबका आईडी लिखे गए, मैंने अपना पासपोर्ट दिए, वहाँ कुछ तो चालू है। कुछ नहीं, बस रेगुलर चेकिंग था, सबका आईडी वापस कर दिया। मेरे आगे एक पैसेंजर बैठी है, मैंने उससे बात किया कि बस कहाँ जा रही है, उसने एक जगह बताया केशन, केशन जो है वो गली पुली से नज़दीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोग केशन ले जाए ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कन्फर्म होगा कि ये बस जो है वो जा रही है केशन, केशन गली पुली से नज़दीक है, और मैंने इसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आगे के बैठ जाऊँगी, मैंने कहा ठीक है आ जाऊँ, अब यहाँ बैठे हैं। अब मैं गेली पुलिस और नज़दीक हो गया हूँ, अब मैं 100 किलोमीटर और जा रहा हूँ आगे। ऑल गुड भाई, क्या यूट्यूब हिंदुस्तान सर, यूट्यूबर यूट्यूबर गेली बोलू यूट्यूब। मैं पहुँच गया अब एक जगह, इसका नाम है केशन, केशन से मैं जाऊँगा अब एक और मिनी बस से गेली बोलू, थोड़ा पैसा खर्च हो रहा है ठीक है, बट तो भाई एक और मिनी बस ले लिया हूँ मैं, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में गेली बोलू पहुँच जाऊँगा। अब प्रॉब्लम ये है कि गेली बोलू में मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मेरा एक होस्ट है उसने एक्सेप्ट किया है बट वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, और भाई का ना एड्रेस मेरे पास ना मेरे पास उसका नंबर है, ये 1.5 घंटे बाद उसका रिप्लाई आ गया तो भाई काम सॉर्टेड है, नहीं तो फिर पता नहीं क्या होगा, देखते हैं अभी। यहाँ पे ना सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी जो होता है ना फूल, उसकी खेती बहुत होती है यहाँ पे, हर जगह वही उगा हुआ है, अभी मेरे ख्याल से हार्वेस्ट हो चुका है और बहुत लोग खेत सूख गए हैं, मतलब तो सूखा हुआ सूरजमुखी उनको बहुत दिखा है यहाँ पर। चैनल रोहित सिंह व्लॉग्स माय नेम, मोबाइल आई विल शो यू। भाई गेली बोलू पहुंच गया हूँ, भाई ने जो बस के ड्राइवर उन्होंने मेरा बोलता है यूट्यूबर है, चैनल का नाम बता, कर रहे थे प्रमोट भाई, सब सब्सक्राइबर ऐसे ही मिल रहे हैं मुझे। तो केसान से गेली बोलू आने के लिए लगता है 30 टर्किश लीरा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं जब से घर से निकला हूँ पनवेल से निकला हूँ मैं हर चीज़ का हिसाब रख रहा हूँ, मैंने कितने का खाना खाया, मैंने कितने का हॉस्टल में खर्चा किया, बस का भाड़ा कितना हुआ, मैं सबका हिसाब किताब मेंटेन कर रहा हूँ और सबका मैं एक एक्सेल शीट बनाया हूँ, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक्सेल शीट मिल जाएगा, ये एक्सेल शीट सारे वीडियोस में रहेंगे मेरे, जब तक मैं वापस पूरा ट्रिप करके पनवेल नहीं आता हूँ तब तक वो एक्सेल शीट रहेगा, उसमें सारा हिसाब किताब मैं लिख रहा हूँ। जस्ट इनकेस अगर आप भी कभी आ रहे हो, एक पैसा कितना खर्चा होता है उसका एक आइडिया होना चाहिए, मेरा जो भी खर्चा है मतलब A to Z, मैं आज पानी का बॉटल भी खरीदा तो भी हिसाब किताब डाल रहा हूँ, तो वो चीज़ है। अब बता रहा हूँ आपको यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं पहुँच गया एक जगह इसका नाम है गेली बोलू, मेरे सामने ही एजेंसी है, तकलीफ ये है कि मेरा जो काउच सर्फिंग का होस्ट है उसका मुझे मैसेज आया था कि बाय व्हेन यू विल रीच, मैंने विद इन 1 मिनट उसको रिप्लाई किया है, ये बात हुई थी मेरी सुबह के 11 बजे के पास। अब प्रॉब्लम यह है कि उसने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी किया कि मैं उसके पास रह सकता हूँ पर उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। अभी ऐसा है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता मुझे यहाँ करना क्या है, देखता हूँ जब तक सनसेट नहीं होता मैं कुछ नहीं करूँगा, एक बार सनसेट हो गया फिर कहीं कैंप करने का प्लान करता हूँ। सामने एक जगह मिला जहाँ शायद मैं बैठ सकता हूँ, यहीं पर टाइम पास करूँगा आज मैं, देखते हैं भाई क्या होगा। मैं कैसा बता रहा हूँ, मैं इतना फिलहाल हेल्पलेस फील कर रहा हूँ ना कि क्या बोलूँ मैं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं, ये पहली बार ऐसा कुछ है, पहली बार क्या, मैं ये सब कर भी तो पहली बार रहा हूँ, बट
मैं बहुत फिलहाल इस वक्त हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। देखो ऑप्शन है भाई, पैसा खर्च करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। शाम के 6 बज गए हैं, मैं अपने होस्ट को मैसेज डाल रहा हूँ लेकिन भाई का कोई रिप्लाई नहीं अभी। एक्चुअली ये जो होस्ट है हमारा, ये भी एक टीचर है और इसने मुझसे कहा था कि कल हम लोग एक आइलैंड पे जा रहे हैं जो इसके टीचर लोग ग्रुप है, तू भी चले आ गया। मैंने हाँ क्यों नहीं चलूँगा, बट अभी इसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, अभी क्या बोलूँ। मतलब ऐसा भी होता है काउच सर्फिंग में, ठीक है, ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है, बट ऐसा भी होता है, लोग टांग सकते हैं। तो या तो प्रिपेयर्ड रहो या तो मेरी तरह ऐसा रहो कि भाई जो होगा देखा जाएगा। अभी क्या बोलूँ मैं। एक होटल दिखा है मुझे, उसका नाम है होटल गैली बोलू, लेकिन उसका पर नाइट का रेट है 5,000 रुपये। अरे भाई 5,000 रुपये में आज तक जिंदगी में आज तक मैंने कभी किसी होटल में पैसा दिया ही नहीं है। मैं हमेशा 250-300 मैक्स 550-600 रुपये भरा हूँ, उसके बाद मैंने आज तक भरा नहीं है। तो भाई अभी अपडेट ये है कि ठंड जो है बढ़ते जा रही है और पोस्ट का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, बट मैं अंधेरा होने का वेट कर रहा हूँ, जब थोड़ा ये शहर सो जाए तब मैं कहीं जा पाऊँ। ये पूरा शहर ना मैप पे मैं देखा, पूरा कॉन्क्रीट जंगल है, मतलब यार गार्डन नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पर। एक थोड़ा गार्डन टाइप दिखा है मुझे, मतलब आसपास पूरा बिल्डिंग घेरा हुआ है, बीच में हरियाली दिखी है, बट वो गार्डन है कि भी नहीं मुझे पता नहीं, मैप से कुछ मालूम पड़ नहीं रहा है। मैं बस वेट कर रहा हूँ थोड़ा अंधेरा हो जाए, थोड़ा शहर सो जाए, फिर मैं निकलूँ यहाँ से। मतलब भाई ये ना एक परीक्षा ही घड़ी लग रही है, बट यार मुझे स्ट्रांग रहना है इस वक्त, क्योंकि ये जो ट्रिप है बहुत बड़ा है, ये तो बस ट्रेलर है भाई, आगे बहुत कुछ हो सकता है मेरे साथ, बट मैं स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ मूवीज़ देखूँगा, टाइम ऐसे काटूँगा, मेरे पास बहुत मूवीज़ पड़े हैं फिलहाल, मूवीज़ देखूँगा, टाइम काटूँगा, और मेरे पास हक नहीं है कंप्लेन करने का, बिकॉज ये जो ट्रिप है वो मेरा चॉइस था। सो मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, स्ट्रांग रहूँगा और जो होगा देखूँगा, फेस करूँगा, जो भी होगा फेस करूँगा। तो मैं निकल गया हूँ मेरा सोने का कुछ जगह ढूंढने के लिए। मैंने गूगल किया टेंपल्स नियर मी, यहाँ एक भी मंदिर नहीं है। मैंने किया गुरुद्वारा नियर मी, गुरुद्वारा भी यहाँ नहीं है। फिर मैं दिमाग क्लिक हुआ, भाई यहाँ मस्जिद बहुत है, क्यों ना मस्जिद में ट्राई किया जाए, बिकॉज मुझे लगता नहीं इंडिया में कोई भी रिलीजियस प्लेस पे आप जाओगे तो आपको एटलीस्ट एक रात बिताने के लिए कोई मना करेगा। एक मस्जिद ट्राई करते हैं यहाँ पर, हो गया तो ठीक है, नहीं है तो देखा जाए। मैं अभी एक मस्जिद में आया हूँ, ये मस्जिद 1567 में बनी थी। यहाँ थोड़ा हेल्प मांगने का ट्राई करता हूँ यार। भाई मैं कसम बता रहा हूँ, मैंने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगा, लाइफ में हेल्प नहीं मांगा है। मेरे को अभी ऐसा अंदर से इतना रोने को आ रहा है ना कि मैं जो डिसीजन लिया हूँ ट्रिप करने का वो सही है कि गलत है, मुझे खुद पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी, ऐसा हाल है। बट यार हेल्प मांगने को सच में बहुत शर्म आ रहा है मेरे को यार, मैंने कभी मैंने अपने किसी करीबी से भी हेल्प नहीं मांगा है। पर ठीक है यार, भगवान का एरिया है, मांग के देखता हूँ। मैं किसी दुकान से, किसी पुलिस से या कहीं पर भी मैं हेल्प नहीं मांग रहा हूँ, मैं भगवान के जगह पर आया हूँ, आज हेल्प मिल जाए बस यार, मज़ा आ जाएगा। मांग के देखता हूँ, मुझे ना कसम से मेरे को ऐसा, मेरा ना अभी मेरे यहाँ तक ना वो आ गया है जो रोने से पहले होता है ना, वो मतलब यहाँ तक मेरा गला भर गया है, मतलब अब मैं जस्ट कभी भी रो दूंगा को ऐसा लग रहा है। मैं इस वक्त नहीं बता सकता मैं क्या फील कर रहा हूँ, मतलब मैंने गूगल ट्रांसलेट पे लिखा आई एम फ्रॉम इंडिया और मुझे बस आज रात को सोने का जगह चाहिए। तो वो एक भाई था यहाँ पर, उसने मुझसे एक सवाल तक नहीं पूछा, उसने बस मुझे बोला रुक जा और मुझे उसने कमरे में लेके आया। ये जो कमरा है अभी आपको दिखेगा नहीं, ये जो कमरा है मेरे हिसाब से यहाँ नमाज पढ़ते हैं। तो उसने कहा कि तुम यहाँ जाओ और सो जाओ, सब सारी बातें इशारे में हुई आगे, मतलब यहाँ जाओ सो जाओ, सुबह नमाज होगा बस तब उठ जाना। और भाई उसने मुझे खाना ला के दिया है,
मैं बोला नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए, लेकिन उसने मुझे खाना लाके दिया। मतलब मैं यार मैं कैसे थैंक यू बोलूं टर्की का यार, मैं कैसे थैंक यू बोलूं लोग का। मैं कुछ देर पहले मुझे रोना आ रहा था, अभी भी रोना आ रहा है, अब जो रोना आ रहा है ना वो खुशी का आंसू वाला रोना आ रहा है। मतलब मैं नहीं बता सकता मैं क्या फील कर रहा हूँ। सुबह के करीब 4 बज रहे हैं और मैं बहुत अच्छी तरह से सोया हूँ। बाहर ठंड बहुत बढ़ गई है, उस ठंड का प्रभाव अंदर भी था। अंदर भले रूम जो है काफ़ी गर्म है बट स्टिल ठंड था। मैं नीचे ज़मीन पे सो नहीं पा रहा था और नसीब मेरे पास स्लीपिंग बैग था तो मैं उसके अंदर सो गया। मैं ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकता, पता नहीं ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि अटेंशन ग्रैब करना चाहता नहीं मैं। मैं बस इतना बोलूँगा मैं लाइफ में इतना थैंकफुल शायद किसी के लिए हुआ हूँ। आज जो मेरे साथ हुआ था, मतलब कल जो मेरे साथ हुआ था, मेरे पास रात को सोने का जगह था नहीं। किसी जंगल में या किसी गार्डन में कहीं कैंप करने से अच्छा मस्जिद में सोना, ये बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा। भला हो उस शख्स का जिसने मुझे मेरा हेल्प किया, मुझे जगह दिया रहने का, रात को उसने मेरे लिए खाना लेके आया। मैं बस इतना बोलूँगा यार कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ। मैं इस चीज़ को कैसे बयां करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना कहूँगा कि ये एक समझो एक कर्ज चढ़ गया मेरे पे। कभी कभी किसी की शायद मदद करना हो, मतलब कभी किसी का मौका मिले मदद करने का तो ज़रूर करूँगा। एनीवेज मैं ये जो ब्लॉग है काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं और लंबा इसको खींचूँगा नहीं, इसलिए ये ब्लॉग को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं बस सनराइज़ होने का, सूरज की रोशनी आने का वेट कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और थोड़ी देर में लोग यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ना शुरू भी कर देंगे। और ये ब्लॉग शायद काफ़ी लंबा हो जाए इसलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं गली बोली क्यों आया हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।